मीरा की भक्ति राणा प्रताप की जो शक्ति है, ऐसे राजस्थान में पहली बार प्रभारी बनने के बाद में कल आया। इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं और आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं। देश का किसान स्वतंत्र हो, किसान सशक्त हो, किसान खुशहाल हो, मोदी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, उसके लिए निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि विपक्ष की पार्टियां, प्रमुख रूप से कांग्रेस, जिन्होंने सदैव किसानों को ठगा ही है, धोखा दिया ही है, उनके लिए कभी भी कुछ भला नहीं किया, वो अभी किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अधिकांश 99% से अधिक किसान आज मोदी जी के साथ खड़े हैं। जो भी चुनाव हुए, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, कर्नाटक का हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है, मोदी जी की नीतियों को समर्थन मिला है। और कांग्रेस पार्टी जो 4 दिसंबर 2012 में जो कपिल सिब्बल ने खुद पार्लियामेंट में बोला था कि कृषि बाजार को खोला जाए, वह कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसके पेज नंबर 18 में स्पष्ट लिखा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करेगी, वह आज विरोध कर रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने खुद 27 दिसंबर 2013 को यह कहा था कि एमएसपी की बहुत सारे जो फल फूल इत्यादि बहुत सारे वस्तुएं हैं उनको डिलीट कर देना चाहिए एमएसपी से। और आज कांग्रेस पार्टी जो कृषि सुधार जो एक्ट बना है, जो किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, अपने निहित स्वार्थ के लिए उसका विरोध कर रही है। हम उनकी निंदा करते हैं। कुछ तो कम्युनिस्ट पार्टी भी, अलगाववादी संगठन भी आजकल वो भी अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। अलगाववादी संगठन, कम्युनिस्ट के लोग हमेशा देश विरोधी, देश की प्रगति की जब बात आती है उसका हमेशा कहीं न कहीं उसको विरोध करने का काम करते हैं, षड्यंत्र करके। अब ये किसान जानते हैं, किसान को विश्वास भी है कि देश की आजादी के बाद किसानों के अकाउंट में अगर पैसा सीधे डालने का काम किया है, 6,000 रूपये प्रतिवर्ष 10,62,00,000 किसानों के अगर अकाउंट में सीधे पैसा देने का काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। और वह 6,000 में से 5,999 नहीं बल्कि 6,000 का 6,000 गया है, जबकि कांग्रेस के जब शासन में स्वयं उस समय राजीव गांधी जी बोलते थे कि 15% ही पैसा पहुंचता है, 85% पैसा गायब हो जाता है। लेकिन यह मोदी सरकार का 100% पैसा उनके अकाउंट में पहुंच रहा है। खरीद यूपीए के समय से हमारी सरकार का 6 गुना खरीद बढ़ी है। 1,34,399 करोड़ रुपए की खरीद हमारी सरकार ने की है, 6 गुना अधिक। एमएसपी बढ़ाने की बात हो तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट मानने का कोई काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। लागत से 1.5 गुना दाम एमएसपी किया तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। मैं दो उदाहरण जैसे बताना चाहूंगा। गेहूं का
जब यूपी की सरकार थी तो 1400 रुपए एमएसपी हुआ करता था। यह नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 1975 करने का काम किया और उसके बाद चना का जो 3100 रुपए दाम होता था उसको 5100 रुपए करने का काम अगर कोई किया है, इतनी भारी बढ़ोतरी तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। किस प्रकार से किसान को सहाल हो एक एक करके अगर आप देखेंगे कदम, पहले सॉयल हेल्थ कार्ड ले आना, नीम कोटेड यूरिया ले आ करके यूरिया की कालाबाजारी को रोकना, फसल बीमा योजना के अंतर्गत लोगों को अधिक से अधिक उनका बीमा कराना, जो फसलों का नुकसान होता था पहले 50% पे अब 33% नुकसान होने पे ही उनकी भरपाई होती है, एमएसपी का दाम बढ़ाना, किसान के लिए अन्य अन्य प्रकार के और योजना ले आना, पीएम किसान की योजना ले आना, स्टैंड अलोन सोलर पंप ले आना, किसानों को सस्ते दाम पे ऋण दिलाने का काम करना, और तो और देश भर में 10,000 एफपीओ बनाना, कृषि संगठन को बनाना और 1,00,000 कोई 10,000 में 1,00,000 करोड़ रुपए एफपीओ में खर्च होगा जिससे किसान सशक्त होगा, किसान मजबूत होगा और किसान में और इस क्षेत्र में और निवेश आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं मित्रों, जब कई बार यह बात स्पष्ट हो चुकी है सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, किसान को स्वतंत्रता दे रहे हैं। क्यों किसान एक ही मंडी में जाकर के सामान बेचे? देश का किसान अगर जोधपुर का किसान है तो क्यों जोधपुर में नहीं राजस्थान के किसी कोने में भी सामान बेच सकता है, देश के किसी कोने में भी उसका सामान बेच सकता है और तो और विश्व में कहीं भी सामान बेच सकता है। जहां किसान को अधिक दाम मिलेगा वहां किसान अपना उत्पाद बेचेगा, यह तो किसानों के लिए स्वतंत्रता है, उनके लिए विकल्प खुले हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यह स्पष्ट किया गया, कई राज्य पहले से लागू किए हैं, यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार से किसान की जमीन गिरवी नहीं रखी जाएगी, नंबर एक, और अगर किसान अनुबंध तोड़ता भी है तो भी किसान की जमीन को कोई उस पर केस नहीं कर सकता, किसान की ही जमीन रहेगी, न लीज पे कोई ले सकता है, न रेंट पे ले सकता है, न मोर्टगेज कर सकता है। और तो और अगर किसान से कोई एग्रीमेंट करता है तो किसान जब चाहे अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने वाला 3 साल के बाद ही तोड़ सकता है, यह इस प्रोविजन में है। इससे लाखों करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आएगा, अलग अलग प्रकार की अपना बीज आएंगे, इक्विपमेंट आएगा, वेयरहाउसेज बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनेगा, प्रोसेसिंग सेंटर बनेगा और किसान का जो उत्पाद है वो धीरे धीरे ऐसे उसका दाम बढ़ेगा और दोगुना उसका जो मोदी जी ने संकल्प लिया उसकी आय दोगुनी करेंगे और उस दिशा में वह काम होगा। किसान आंदोलन के बारे में हमारी सरकार तो खुले मन से बात कर रही है, 6 बार किसानों से चर्चा हुई है और कहा गया कि अपने सुझाव दीजिए, सुझाव बात हो रही है, हमें उम्मीद है कि बहुत ही शीघ्र जो कुछ ही किसान जो असहमत है बैठे हैं वह भी दूसरों के द्वारा जो कम्युनिस्ट और बिचौलिए अन्य के द्वारा जो प्रोत्साहित उनको कर रहे हैं, किसान तो कोमल हृदय का व्यक्ति होता है, उनको जो इस प्रकार से थोड़े तत्व आ गए अब किसानों को समझ में आ गया है वह भी माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार की बात मान करके वह भी अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे। मेरा भी उनसे यही निवेदन है कि आइए प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करिए, एक त्यागी तपस्वी पुरुष महापुरुष जो सदैव दिन रात हैं किसानों की चिंता करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व जो लगातार गरीब और किसान की चिंता करते हैं, किसान गरीब भी उनको एक मसीहा के रूप में मानता है, ऐसे पुरुष ऐसे व्यक्तित्व के साथ आप उनको समर्थन दीजिए, यही मुझे आप सबको कहना था। राजस्थान में भी जब आप देखिए राजस्थान के किसानों ने भी मोदी जी को समर्थन दिया,
21 में से 14 जिला परिषद के जो प्रमुख बनाना, ये बड़ी बात है। और कांग्रेस के पास जिला प्रमुख इतनी संख्या में पहुंचना, बनना, और यह सीधे सीधे केंद्र सरकार को मोदी जी को समर्थन देने का काम किया। यह ग्रामीण एरिया में यह स्थिति थी। मित्रों, अभी हम जो भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। लद्दाख में हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ, वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी अभी पिछले महीने ही वहां पे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वहां काउंसिल हमारी बनी है। बिहार में भी हमारी सरकार पुनः बनी है, एनडीए के नेतृत्व में, जेडीयू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और कांग्रेस की स्थिति तो धीरे धीरे करके पूरे देश में दयनीय होती जा रही है। और राजस्थान में भी यही स्थिति है कि राजस्थान की स्थिति में तो चारों ओर हाहाकार की स्थिति है। अब मैं कहूं तो यही कहूंगा कि युवा बेहाल है, किसान महिलाएं परेशान है और किसान की हालत भी बहुत खस्ता हाल है। जंगल राज यहां पे है, कानून व्यवस्था ठप है। अपने वादे यह सरकार पूरी नहीं कर पाई। युवा बेरोजगारी भत्ता का इंतजार कर रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता कब दोगे। आपने 3,500 रुपए की बात कही थी, बिजली के दाम नहीं बढ़ाने की बात कही थी, क्यों बढ़ाते जा रहे बिजली के दाम। अपराधियों का तो यह बोलबाला है कि करौली के पुजारी को जिंदा जला देना, अलवर में सेल्समैन को डीप फ्रीजर में रखना, अभी हाल में दूल्हा दुल्हन को सरेआम गोली मार देना, महिलाओं पर लगातार अत्याचार करते रहना, इस प्रकार की प्रदेश में स्थिति है। कानून व्यवस्था प्राथमिकता ही नहीं है। किसानों के कर्जा माफ करने वाली की घोषणा करके केंद्र में प्रदेश में आने वाली सरकार, जिसको राहुल गांधी जी भी कई बार बोले थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, अब 99,995 लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए जो कर्जा माफ होना था उसमें मात्र 5,600, मतलब 90% को असंतुष्ट करने वाली सरकार है। इसलिए 90% लोग इस सरकार को, कांग्रेस सरकार को, गहलोत सरकार को समर्थन देना बंद कर दिए हैं। अब डरा धमका के पुलिस के माध्यम से अगर छोटे मोटे चुनाव में अगर आप अपनी समर्थन प्राप्त कर लेते हैं तो वह स्वतंत्र समर्थन नहीं है। 90% लोग गहलोत सरकार का साथ छोड़ चुके हैं, किसान साथ छोड़ चुके हैं। और अपने घर को उनको बचाना चाहिए। घर में ही जिस प्रकार से कोहराम मचा हुआ है, आपस में उनके विधायक इतने असंतुष्ट हो गए, परेशान हुए हैं, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। इतना जरूर मैं कहूंगा, एक निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी सरकार है जब अच्छा काम करती है तो जो दूसरी सरकार आती है उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, राजनीति से हट करके बढ़ाना चाहिए। भामाशाह वसुंधरा जी के नेतृत्व में इतनी अच्छी भामाशाह योजना चल रही थी, लोग प्रसन्न थे। भामाशाह योजना को आप क्यों रोके, उसको चालू करना चाहिए। गौरव पथ के माध्यम से गांव गांव में सड़कें बन रही थी, उसको क्यों रोके भाई। आखिर लोगों ने आपको समर्थन दिया 0.5% अधिक, तो यह आपका तो कर्तव्य नहीं था कि वो गौरव पथ की सड़कों को रोक देना। जल स्वावलंबन योजना को बिल्कुल ध्वस्त कर देना। इस प्रकार से जो भी विकास के काम चल रहे थे उन विकास के कामों को चलते रहने देना चाहिए, उन कामों को रोक देना, लोगों के जो अधिकार है उन पे कुठाराघात करने का काम कोई कर रही है या गहलोत सरकार कर रही है। राजस्थान की जनता बहुत जल्दी समझ गई है। और अभी 2 साल ही पूरे नहीं हुए, 2 साल में चारों ओर हाहाकार की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी सदैव गुड गवर्नेंस की बात करती है, सुशासन की बात करती है, और यह
यहाँ की सरकार कांग्रेस की सरकार केवल और केवल कुशासन के साथ साथ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, छोटे 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 चीजों के लिए वार्ड अधिक बना दो, नगर पालिका अधिक बना दो, छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए ऐसा काम, इतिहास इनका है सदैव से सत्ता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से काम करते हैं और इसीलिए आज स्थिति आज यहाँ पे पहुंची है। आपका अगर कोई प्रश्न है तो जरूर मैं भारी महोदय अखबार से अरुण कुमार। अच्छा भेदभाव करोगे क्या? चलो जी आराम से। हाँ एक आराम से। पहला ये कि आपने कहा कि सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है और सरकार 2022 तक किसानों के लिए प्रतिबद्ध किया है कुछ दूनी करने को लेकर, लेकिन वो अविश्वास क्यों है, सड़कों में क्यों उतर है, ऐसा क्यों है कि सरकार और किसान एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे? देश के 99% से अधिक जगहों पर जाके देखिए कोई अविश्वास नहीं है, कहीं रोड बंद नहीं है। कल भी मैं दिल्ली से जयपुर बाई रोड आया, एक भी किसान कहीं भी सड़कों पर नहीं था। इसलिए केवल दिल्ली के एक थोड़े से एरिया में अगर कुछ लोग वो अभी बैठे हैं, वो अभी सबको मालूम है किस प्रकार से बैठे भोले भाले किसानों को बरगला करके लोग वहां बैठाए हैं, तो यह देश में स्थिति नहीं है। देश के किसान आज मोदी जी के साथ है। एलओपी साहब कह रहे हैं सरकार गिरेगी, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं सरकार गिरेगी और आपने कहा कि गहलोत साहब को अपना घर बचाना चाहिए, आप कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी? देखिए आप सरकार में अविश्वास है और विधायक भी है उनके कहने लगे, जो मैं पढ़ता हूँ विधायक भी कहने लगे कि मेरा काम नहीं हो रहा और नेतृत्वहीन सरकार है। कांग्रेस में वहां पोहा है कि सोनिया गांधी जी है, उनके बाद राहुल गांधी जी बनेंगे या सोनिया गांधी जी रहेंगे। जिस पार्टी का नेतृत्व ही अगर क्लेरिटी नहीं हो कि नेतृत्व क्या है, तो ऐसी पार्टी में तो यह चीज होना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए मैं हम लोग किसी भी सरकार को कभी भी यह नहीं चाहते कि गिरे, सरकार अपना काम पूरा करे, लेकिन अपने कारणों से अगर वो गिरती है तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? अरुण सिंह जी, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली पार्टी को क्या अगर 1% किसान भी बैठे हैं तो उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए? डेडलॉक की स्थिति बन गई, वो करें कानून रद्द करें बिना बात नहीं करेंगे और आप करें कि बुलाओ बातचीत? नहीं, मैं कह रहा कि 1% जगह 1% भी किसान नहीं है, वो तो जो किसान बैठे हैं 0.01% भी नहीं होंगे, थोड़े से लोग। अब वह भी जो कुछ चीजें नहीं समझे थे हम समझाने का काम कर रहे हैं उनको। कुछ उनको मन में कुछ भ्रांतियां थी, सरकार के लोग मंत्री लोग बुला करके उनको समझा रहे हैं, उनसे कह भी रहे हैं कि अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ये हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको धरने में बैठने का अधिकार है, लेकिन उन धरनों में इस प्रकार के लोग सरदिल के फोटो लगा देना, अलगाववादी भी वहां अपना अट्टा जमाए हुए है, यह चीज गलत है। अरुण जी, मेरे दो सवाल थे आपसे। पहला सवाल, आपने कहा कि अगर किसी की जनता मौजूदा केंद्र सरकार से नाखुश है तो उनकी सरकार छोड़ दी है। पंचायत राज चुनाव में जो परिणाम आए वो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन कल जो निकाय चुनाव 50,000 चुनाव है 12 जिलों में, वो जो परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, हालांकि निर्दलीयों की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, ऐसा है कि जब पंचायत के चुनाव हुए जिला परिषद के, तो पंचायत के चुनाव में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके बाद गहलोत सरकार पूरी ताकत लगा दी, जब पुलिस प्रशासन के माध्यम से लोगों को कहना कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, किसी और को दे देना, इस प्रकार का दबाव बनाना, और इस दबाव बनाने के बाद भी अगर देखे 75% लोग कांग्रेस को वोट नहीं दिए। अगर निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विपक्ष में 1144 लोग जीते हैं और कांग्रेस 619 पे, इतना दबाव बनाने के बाद, तो यह मानिए कि 2/3 लोग कांग्रेस के साथ नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी या निर्दलीय के साथ है। दूसरा सवाल किसानों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि जो किसान है पूरे देश भर के 90% से ज्यादा वो बीजेपी के साथ है, मोदी सरकार के साथ है। आप ही की पार्टी के सहयोगी हैं आरएलपी के संयोजक हनुमान जी, जो कि दिल्ली भी कुछ कर रहे हैं लगातार मोदी सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि आपका गठबंधन है। नहीं, पहले तो 99% किसान मोदी जी के साथ में है, जो थोड़े 1% इधर उधर उनको भी समझाने का काम कर रहे हैं, और हनुमान बेनीवाल जी हमको समर्थन दिए हैं
और अगर कोई मन में उनके बात होगा कंफ्यूजन होगा तो हम बैठा के उसको दूर करेंगे। वो बार बार अपना समर्थन वापस देने की ठीक है, कभी 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 लोगों को कुछ चीजों में कंफ्यूजन होता है, हम सरकार में हैं, हम उनको समझा देंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वो आएंगे हमारे पास, हम बुला करके एक एक कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे, हमारा कर्तव्य हम करेंगे। आपको धोखा दे के गए थे उनको मजबूरी में आप वापस ला रहे हैं, घर जानते मजबूरी में नहीं, ऐसा है कि हमारा परिवार बड़ा परिवार है, अगर कोई गया है आ गया है तो हम लोग तो ऐसे है कि अपने परिवार के लोग जाते फिर आए तो उनको उन्होंने स्वीकार किए। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि कभी भी उन्होंने विचारधारा के विरुद्ध उन्होंने कभी भी चाहे तीर्थ स्थल हो चाहे राम मंदिर हो इसके विरुद्ध उन्होंने कभी नहीं बोला। अच्छा जी, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई है वहां पर अब ये भी डिमांड की जा रही है कि सेंटर फोर्स को वहां डिप्लॉय किया जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट 24 आवर्स में दो जो वर्कर है बीजेपी के उनको मार दिया गया है। तो आपको लगता है मौजूदा स्थिति वहां काफी गंभीर बन गया, सीरियस एक एक्शन लेना चाहिए, वहां सेंटर फोर्स को डिप्लॉय करना चाहिए, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने भी ये क्वेश्चन पुटअप किया। देखिए वास्तव में पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत चिंताजनक है, वहां लोकतंत्र का जिस प्रकार से हत्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ में उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी वहां के महामहिम गवर्नर ने भी उनको चेतावनी दी है कि ममता जी आग से मत खेलो, कानून व्यवस्था लागू करो, पुलिस प्रशासन के माध्यम से गुंडों को प्रोटेक्शन मत दो, उचित समय में उचित कार्रवाई केंद्र अवश्य रूप से करेगी और केंद्र भी अपने हाथ पे हाथ रखने के लिए बैठने वाली है।